दोस्तों आईपीएल के ऊपर आज के दिन कुल 10 बड़ी अपडेट निकल करके सामने आ रही है, जहां पर पहली अपडेट है ट्रेड प्लेयर्स की पहली लिस्ट को लेकर। इसके बाद राजस्थान रॉयल्स का प्लेइंग 11, आरसीबी के नए प्लेयर, ड्राफ्ट विंडो और भी कई सारी बड़ी अपडेट आईपीएल के ऊपर निकल कर सामने आ रही है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इन सभी खबरों के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन देंगे। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और वीडियो के नीचे से रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप आईपीएल से रिलेटेड कोई भी न्यूज सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर फॉलो करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वन बाय वन आईपीएल से रिलेटेड सभी न्यूज दे देते हैं। तो इस लिस्ट की पहली बड़ी अपडेट है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की तरफ से, और आईपीएल 2023 में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम एक बार फिर से सुनील नारायण को अपना नया ओपनर बना सकती है, क्योंकि कोलकाता की टीम अपने स्क्वाड से काफी सारे ओपनर्स यानी कि अजिंक्य रहाणे, सैम बिलिंग्स और वेंकटेश अय्यर जैसे प्लेयर्स को रिलीज करने वाली है। इसके बाद इस लिस्ट की दूसरी बड़ी अपडेट है राजस्थान रॉयल्स की टीम की तरफ से, और आईपीएल 2023 के रिटेंशन प्रोसेस में राजस्थान की टीम अपने स्क्वाड से चार बड़े ऑलराउंडर्स को बाहर कर सकती है, जिसमें पहला बड़ा नाम आता है डेरी मिचेल का, इसके बाद राशि वंडरसेन, इसके बाद रियान पराग और जिमी निसम जैसे ऑलराउंडर्स को राजस्थान की टीम अपने स्क्वाड से रिलीज कर सकती है। इसके बाद इस लिस्ट की तीसरी बड़ी अपडेट है पंजाब किंग्स की टीम की तरफ से, और पंजाब किंग्स की टीम आईपीएल 2023 के लिए नए कप्तान की तलाश में है, और करेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पंजाब किंग्स की टीम मयंक अग्रवाल को हटा करके शिखर धवन को उनके एक्सपीरियंस के लिए पंजाब किंग्स का नया कप्तान घोषित कर सकती है। इसके बाद इस लिस्ट की चौथी बड़ी अपडेट है मिनी आईपीएल यानी कि साउथ अफ्रीका टी20 लीग की तरफ से, और साउथ अफ्रीका टी20 लीग में आईपीएल टीमों के ऑनर ने टोटल 6 टीम परचेज किए हैं, और अब यहां पर आईपीएल टीमों के ऑनर के अंदर पाकिस्तानी खिलाड़ी खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि मिनी आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके बाद इस लिस्ट की पांचवी बड़ी अपडेट है आईपीएल 2023 के लिए राजस्थान रॉयल्स के सबसे बेस्ट प्लेइंग 11 को लेकर। तो राजस्थान रॉयल्स की टीम के लिए ओपन कर सकते हैं जॉस बटलर और यशस्वी जायसवाल, इसके बाद तीसरे नंबर पर कप्तान संजू सैमसन, इसके बाद मिडिल ऑर्डर में चौथे नंबर पर शाहरुख खान, पांचवें नंबर पर सिमरन हेटमायर, छठवें नंबर पर बेन स्टोक्स, सातवें नंबर पर यान पराग, इसके बाद आठवें नंबर पर रविचंद्रन अश्विन, नौवें नंबर पर ट्रेंट बोल्ट, दसवें नंबर पर यजुवेंद्र चहल और ग्यारहवें नंबर पर प्रसिद्ध कृष्णा। तो आईपीएल 2023 में राजस्थान का प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार से दिख सकता है, जहां पर राजस्थान की टीम शाहरुख खान को पंजाब किंग्स से अपने स्क्वाड में शामिल करना चाहेगी, वहीं ऑक्शन में अपने पुराने प्लेयर यानी कि बेन स्टोक्स को परचेज करना चाहेगी। तो आईपीएल 2023 में राजस्थान का प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार से दिख सकता है। इसके बाद इस लिस्ट की छठवीं बड़ी अपडेट है आईपीएल 2023 के ट्रेड विंडो को लेकर। तो आईपीएल 2023 का पहला ट्रेड विंडो बीसीसीआई ने ऑफिशियली स्टार्ट कर दिया है, और इस ट्रेड विंडो में काफी सारे ट्रेड प्लेयर्स की बातचीत सामने आ रही है। तो वन बाय वन सात काफी बड़े प्लेयर्स की प्रेडिक्टेड ट्रेड लिस्ट के बारे में बात करें तो पहला बड़ा नाम आता है पैट कमिंस का, और पैट कमिंस को चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से ट्रेड का ऑफर मिला है, जहां पर चेन्नई के स्क्वाड में कोई भी बेहतरीन विदेशी तेज गेंदबाज नहीं है, तो इस वजह से चेन्नई की टीम पैट कमिंस को अपने स्क्वाड में ट्रेड करना चाहती है। इसके बाद दूसरा बड़ा नाम आता है देवदत्त पड्डीकल का, और पड्डीकल को राजस्थान रॉयल्स से ट्रेड किया जाएगा, और यहां पर पड्डीकल के ट्रेड में कोलकाता और हैदराबाद दोनों ही टीमें इंटरेस्टेड हैं। तो देवदत्त पड्डीकल या तो कोलकाता या फिर हैदराबाद की टीम में ट्रेड हो सकते हैं। इसके बाद इस लिस्ट के तीसरे काफी बड़े प्लेयर हैं कैरन पोलार्ड, और पोलार्ड को अगर मुंबई की टीम ट्रेड के लिए अवेलेबल करेगी तो इस प्लेयर को लखनऊ सुपर जायंट अपने स्क्वाड में ट्रेड करना पसंद करेगी, क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट को मिडिल ऑर्डर में एक्सपीरियंस वाले ऑलराउंडर की तलाश है। इसके बाद चौथा बड़ा नाम आता है रॉबिन उथप्पा का, और रॉबिन उथप्पा को यहां पर चेन्नई की टीम ट्रेड के लिए अवेलेबल कर चुकी है, और रॉबिन उथप्पा के ट्रेड में करेंटली कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम
इंटरेस्टेड है क्योंकि उथप्पा पहले भी कोलकाता की टीम की तरफ से बेहतरीन प्रदर्शन कर चुके हैं। इसके बाद इस लिस्ट के पांचवे काफी बड़े प्लेयर है मुंबई इंडियंस के आतिशी बल्लेबाज यानी कि ट्रिस्टन स्टब्स, जो कि साउथ अफ्रीका की तरफ से खेलते हैं और हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज में ट्रिस्टन स्टब्स ने काफी लंबे लंबे छक्के मारे। तो अब आरसीबी की टीम स्टब्स को मुंबई से अपने स्क्वाड में ट्रेड करके अपना बैकअप विकेट कीपर बनाना चाहती है। इसके बाद छठवां बड़ा नाम आता है जेसन बेहरेंड्रॉफ का, और जेसन बेहरेंड्रॉफ को चेन्नई सुपर किंग्स की टीम अपने स्क्वाड में ट्रेड करना चाहती है, जहां पर आरसीबी की टीम बेहरेंड्रॉफ को ट्रेड के लिए अवेलेबल कर चुकी है और चेन्नई के स्क्वाड में कोई भी बेहतरीन विदेशी गेंदबाज नहीं है, तो इस वजह से चेन्नई बेहरेंड्रॉफ को अपने स्क्वाड में ट्रेड करना चाहती है। इसके बाद इस लिस्ट के आखिरी बड़े प्लेयर है रविंद्र जडेजा, और रविंद्र जडेजा को चेन्नई के मैनेजमेंट के साथ अनबन चल रहा है, तो इस वजह से जडेजा ऑक्शन से पहले गुजरात टाइटंस की टीम में ट्रेड हो सकते हैं और जडेजा खुद भी गुजरात टाइटंस की टीम की तरफ से खेलना चाहते हैं। इसके बाद इस लिस्ट की सातवीं बड़ी अपडेट है आईपीएल 2023 के ड्राफ्ट विंडो को लेकर। तो आईपीएल 2023 का ड्राफ्ट विंडो बीसीसीआई ने ऑफिशियली स्टार्ट कर दिया है और इस ड्राफ्ट विंडो में टीमें कुछ प्लेयर्स को चिन्हित करके टारगेट करने का प्रयास करती है। तो पहला बड़ा नाम आता है क्रिस गेल का, और क्रिस गेल को हैदराबाद की टीम सस्ते दामों में परचेज करना चाहेगी। इसके बाद दूसरा बड़ा नाम आता है वरुण चक्रवर्ती का, और वरुण चक्रवर्ती को मुंबई इंडियंस की टीम अपने प्लेइंग 11 में शामिल करना चाहती है क्योंकि मुंबई की टीम को एक एक्सपीरियंस वाले स्पिन बॉलर की तलाश है। इसके बाद तीसरा बड़ा नाम आता है बेन स्टोक्स का, और वैसे तो बेन स्टोक्स को सभी टीमें टारगेट करेगी, लेकिन आरसीबी की टीम भी मिडिल ऑर्डर के मजबूती के लिए बेन स्टोक्स को अपने स्क्वाड में परचेज करना चाहेगी। इसके बाद इस लिस्ट की आठवीं बड़ी अपडेट है एशिया कप 2022 के कंप्लीट शेड्यूल को लेकर। तो कल शाम एशियन क्रिकेट काउंसिल ने एशिया कप 2022 का ऑफिशियल शेड्यूल जारी कर दिया है, जहां पर 27 अगस्त से एशिया कप स्टार्ट होगा। वहीं भारत और पाकिस्तान का मुकाबला 28 अगस्त को शाम 7:30 बजे से दुबई में खेला जाएगा। तो आपके हिसाब से इस मैच में कौन सी टीम जीतेगी, उस टीम का नाम कमेंट में जोड़ बताएं। इसके बाद इस लिस्ट की नौवीं बड़ी अपडेट है गुजरात टाइटंस की टीम की तरफ से, और गुजरात की टीम ऑक्शन से पहले मैथ्यू वेड को रिलीज करके ऑक्शन में किसी अदर विकेट कीपर को टारगेट कर सकती है, और इसमें नाम आता है निकोलस पूरन का, और अगर पूरन हैदराबाद के द्वारा रिलीज किए जाते हैं तो गुजरात की टीम इस प्लेयर को अपने रडार पर रखेगी। इसके बाद इस लिस्ट की आखिरी बड़ी अपडेट है दिनेश कार्तिक की तरफ से, और कार्तिक ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ अच्छा परफॉर्मेंस किया था, तो इसके बाद पार्थिव पटेल ने बताया है कि कार्तिक के परफॉर्मेंस को आईपीएल का क्रेडिट नहीं देना चाहिए, बल्कि दिनेश कार्तिक में आईपीएल से पहले भी काफी ज्यादा काबिलियत था। तो यही था आईपीएल से रिलेटेड आज के दिन कुल 10 बड़ी अपडेट। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।